नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत किए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मसले पर कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। चिदम्बरम ने कहा कि समान नागरिक संहिता को उचित ठहराने के लिए एक परिवार की तुलना एक देश से करना ठीक नहीं है। मुंबई से सटी मीरा भाईंदर इलाके में बकरे की कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ बवाल आखिर थम गया है। मोहसिन नाम का एक युवक जो बिल्डिंग परिसर में ही कुर्बानी के लिए अड़ा था, वो आज सुबह बकरा कहीं और ले गया, इससे बवाल थम गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी से लेकर बीजेपी सभी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सभी ने यह शासन किया लेकिन फिर भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी से जुड़े घोटाले 70,000 करोड़ रुपए के हैं। एमपीएससी टॉपर दर्शना पवार की हत्या का मामला अभी ताजा ही है कि महाराष्ट्र की शैक्षणिक राजधानी कहे जाने वाले शहर पुणे में एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की पर दिन दहाड़े भरे रस्ते पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अपने राज्य तेलंगाना की परवाह करें, महाराष्ट्र संभालने के लिए शिंदे फडणवीस सरकार समर्थ है। बारिश के चलते देश के हालात बदतर हो गए हैं। पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में अगले एक हफ्ते तक बारिश के जारी रहने के आसार है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 27 जून 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल का दौरा किया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। कमाई के मामले में फिल्म चौथे हफ्ते में भी आदि पुरुष से आगे है। बीटाउन में इस वक्त सिर्फ एक कपल की चर्चा हो रही है और वो है तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा। दोनों का रिलेशनशिप खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं उनकी फिल्म लव स्टोरीज 2 को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।